हेलो स्टूडेंट, जैसा कि पहला प्रश्न दे रखा है, इसमें 500 रुपये की राशि, ये क्या है राशि, 5% ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए, 5% की ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए लगाया जाता है। तो साधारण ब्याज निकालना है इसमें। इसमें 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो गया, 10%, प्लस 5% की दर से 3 वर्ष का कितना हो गया, 15%। टोटल ब्याज कितना हो गया, 25% निकालना है। 500 का 25% कितना हो जाएगा, बटे 100, 2 0 2 0 55, 125 रुपये ब्याज हो जाएगा, 500 रुपये इतने का। अगला प्रश्न, कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किस दर से 3 वर्ष में स्वयं की 6 7/6 गुणी हो जाती है। मान चल राशि है 6, तो वो कितनी जाती है, 6 की 7/6 गुणा, तो 7 गुणी, तो 1 रुपये का ब्याज लग रहा है कितने वर्षों में, 3 वर्षों में। तो 1 रुपये का ब्याज कितनी राशि पर, 6 रुपये पर, 3 वर्षों में, इंटू 100, तो कितना आएगा इसका, 2 3 6 2 50, तो ये इसका आ जाएगा 9 सहित 5/5, नहीं ये नहीं आएगा, कितना आएगा, 50/9% आ जाएगा इसका। एक व्यक्ति बैंक से 500 रुपये लेता है, 1000 रुपये लौटाता है, तो बैंक की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। 500 रुपये लेता है, 1000 रुपये लौटाता है, तो ब्याज कितना दिया इसने, 500 रुपये, कितनी राशि पर, 500 रुपये पर, इंटू 100, तो कितनी दर कितनी आ जाएगी, 100%, दर आ जाएगी 100%।